चर्चा से। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र के छठवें संस्करण का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में आयोजित 4 दिवसीय वस्त्र फेयर का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शामिल नहीं हो पाई। गेस्ट ऑफ ऑनर राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत थे। मेरिको के प्रबंध निदेशक मुग्धा सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2012 में आरंभ हुए इस व्यापार मेले वस्त्र ने टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग में बेहद महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। सिन्हा ने बताया कि 13 राज्यों से 250 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों का 3,600 वर्ग मीटर एरिया में प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त 50 से ज्यादा देशों से लगभग 300 विदेशी बायर्स और 100 भारतीय बाइंग हाउसेस एजेंट से 200 प्रतिनिधियों के इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में शामिल होने की उम्मीद है। संबंधित गारमेंटिंग से संबंधित सभी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स आए हैं, लगभग 55 राष्ट्रों से प्रतिनिधि आए हैं। मैं राजस्थान सरकार की इस पहल का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जो राजस्थान के प्रदेश की जो भी टेक्सटाइल हेरिटेज है, हैंडक्राफ्टेड गुड्स की जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसको एक उन्नत रूप से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि टेक्सटाइल की दृष्टि से व्यापार राजस्थान के प्रदेश में बढ़े। हिंदुस्तान के इकोनॉमी के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट बढ़ पाता है। हमारे एम्बिशियस प्लान है कि 650 बिलियन डॉलर के अंदर राजस्थान के हिस्से को बढ़ाया जाए, उसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं। वस्त्रा लगातार छठा दिन वस्त्रा में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज 55 कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 13 स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान का डोमेस्टिक मार्केट, साथ साथ राजस्थान का एक्सपोर्ट मार्केट को एक वाइब्रेंसी मिलेगी, एक ग्रोथ।